फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है जियो का फ़ोन F320B और इसके अंदर प्रॉब्लम है माइक की। आज हम इस माइक को चेंज करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके एक और प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हमारा फ़ोन, जैसे हम माइक डालते हैं, निकालते हैं, तो हमारा फ़ोन जैसे हम ऑन करते हैं तो पूरा ऑन नहीं होता, तो उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सबको। सबसे पहले इस माइक को आप सही तरीके से माइक को निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके अंदर हल्का सा ऊपर से पेस्ट लगाकर इसको माइक को रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। आप कोई रेती वगैरह अपने मोबाइल बोर्ड के ऊपर रख लीजिएगा ताकि मोबाइल हिले डुले नहीं माइक निकालते वक्त। मशीन से हीटिंग देकर अच्छे तरीके से माइक को रिमूव कर लिएगा। कभी कभार माइक निकालते वक्त टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड चिपका हुआ होता है माइक, और हीटिंग एयर मिनिमम साइज़ में रखें ताकि और भी कंपोनेंट्स होते हैं साइडों में वो उखड़े नहीं कोई सा भी अपनी जगह से। देखिए हमारे माइक जो है रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। और इसके होल को आपको खोल लिएगा और यहाँ पर हल्की सी पेस्टिंग भी कर दिएगा। हम कर लेते हैं। आप इस होल का खास तौर से ध्यान रखें, पेस्टिंग करते वक्त ये होल बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, वरना हमारा माइक कितने भी डाल दें काम नहीं करेगा जब तक ये होल नहीं खुलेगा, ठीक है। अब हम नया माइक ले लेते हैं। ये हमारे पास इसका नया माइक है और इसे हम सबसे पहले सोल्ड कर लेते हैं। और सोल्ड करते वक्त आप सबको इस ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो होल होता है माइक के, उसमें बिल्कुल कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं जाना चाहिए। अगर पेस्टिंग पेस्ट चला जाता है तो माइक ये वाला ख़राब हो जाता है, तो हम सही से इसे को पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लगा कर आपको दिखाएंगे। पेस्ट करते वक्त हॉल का आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है ना। हॉल में कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं जाए और साइडों से ही आपको सोल्डिंग मारनी है अच्छी तरीके से, जब ताकि हम जब भी माइक लगाएं तो सारे पिन अच्छी तरीके से चल जाएं और हमारे माइक एक ही बार में वर्क करने लगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी डिटेल में हम बताने वाले हैं माइक अच्छे तरीके से लगाने के बारे में। देखिए हमारा जो माइक है अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुका है, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन हमारा जो माइक है अच्छे तरीके से हो चुका है सोल्ड। अब हम आपको सही तरीके से माइक को इस जगह पर, माइक की जगह पर बैठाएंगे और फिर इसको लगा कर भी दिखाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जैसा माइक लगा हुआ था और होल ऊपर ही होना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना माइक हमारा वर्क नहीं करेगा।
आपको थोड़ा टाइम ले जाए, लेकिन बिल्कुल सेट जगह पर लगाना है ताकि प्रिंट एक दूसरे से टच भी ना हो, और नीचे उसी पे टच होने चाहिए जो माइक के प्रिंट हो, ठीक है। और माइक लगाते वक्त आपको जो एयर निकालनी है वो 1 स्पीड से ज़्यादा नहीं निकालनी है, और हीटिंग 5 और 6 के 7, ये 5 7 के बीच में ही हीटिंग होनी चाहिए। और हीटिंग आपको माइक के पीछे की तरफ लगानी है, आगे की तरफ नहीं लगानी है, ठीक है। और कोई चिमटी से ले लेना नीचे की तरफ माइक को टच करने के लिए, ठीक है ना। और आपको साथ ही साथ ये भी बता देते हैं, अगर हमारा माइक ये इसका नहीं हुआ या फिर गलत माइक हुआ, अच्छी तरीके से नहीं लगा, तो ये हम जब फ़ोन ऑन करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है प्रॉपरली पूरा ओपन नहीं होएगा। इसका आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि माइक एक ही बार में सेट लग जाए, और जियो फ़ोन का ही होना चाहिए, जी के फ़ोन का 320 का। अगर ये हमारा माइक इसका नहीं हुआ, जियो फ़ोन का, या फिर सही से नहीं लगा हुआ होगा, तो ये हमारा पूरी तरीके से ऑन नहीं होगा सेट, ठीक है। हमारा माइक लग चुका है, अब हम इसको आपको सेट को ऑन करके दिखाएंगे। देखिए अच्छी तरीके से सेट लग चुका है हमारा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ठंडे होने के बाद ही आपको इसको पैक करना है, और माइक को चेक करना है। देखिए हमने बोर्ड में लगा लिया है, अब इसके अंदर हम बैटरी लगाकर इस सेट को ऑन करके देखेंगे। अगर हमारा सेट पूरी तरीके से ऑन हो गया तो हमारा माइक बिल्कुल सही लगा हुआ है और काम भी ही करेगा। अगर पूरा ओपन नहीं होता है सेट, तो माइक हमारा गलत लगा हुआ है, आपको दूसरा माइक लगाना पड़ेगा। जब पूरा सेट ऑन नहीं हो तो इसका मतलब यही समझना कि इसकी माइक में दिक्कत है, माइक हमारा सही से नहीं लगा है, ठीक है ना। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त। अगर आपका सेट पूरा ऑन नहीं हो तो माइक चेंज करें, ये माइक की ही दिक्कत होती है। अब हम इसे ऑन करके देख रहे हैं, अगर हमारा सेट पूरी तरीके से ऑन हो गया तो हमारा माइक 100% वर्क करने लगेगा। थोड़ा टाइम लेता है ये सेट ऑन होने में, देखा हमारा माइक वर्क करने लगा।